हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का जो वर्कशॉप वीडियो नंबर वन में हम बात करेंगे कि आपको जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, जिस पैटर्न को आप देख के समझ लेना चाहिए कि मार्केट में अभी डायरेक्शन क्या हो सकता है। मान लो मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या हमें प्रॉफिट बुक करना है या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न है जो ट्रायंगल पैटर्न है। ये ट्रायंगल पैटर्न आपको थ्री फॉर्मेट में देखने के लिए मिलता है, एक असेंडिंग पैटर्न, एक डिसेंडिंग पैटर्न, एक सिमेट्रिकल पैटर्न, जो ट्रायंगल पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलता है। सिंपल 1 2 3 इस पैटर्न को आपको समझना है। देखिए, ट्रेडिंग व्यू में इस चार्ट को देखने के लिए आपको सिंपल इसमें जाना पड़ेगा, इंडिकेटर को जाना पड़ेगा। इंडिकेटर को जाने के बाद इसमें आप सिंपल एक पैटर्न आप सिलेक्शन कीजिए। इसमें आपको ट्रायंगल पैटर्न है, इसमें आप सिलेक्शन कीजिए तो आपको क्या होगा ना, ट्रायंगल पैटर्न इसमें आ जाएगा। जो ट्रायंगल पैटर्न आ जाएगा इसमें आपको देखना है क्या है ना, जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है इस पैटर्न को आप कैसे समझेंगे, फर्स्ट पॉइंट है। तो इस पैटर्न को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, क्या ये पैटर्न है, क्या ये असेंडिंग पैटर्न है, क्या ये सिमेट्रिकल पैटर्न है, क्या ये डिसेंडिंग पैटर्न है, आपको देखना पड़ेगा। सिंपल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जिस एग्जांपल के थ्रू आपको पता लगेगा। सिंपल, आपको IRCTC में मैंने क्लिक किया, IRCTC में क्या हो रहा है ना, आप देख सकते हैं जो आप वो सिलेक्शन कर रहे हैं, जो स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, वन डे बिफोर यानी मार्केट स्टार्ट होने से पहले आप किसी स्टॉक को स्टडी करना चाहते हैं, जो आपने स्टडी किया है, जो आप स्टॉक सिलेक्शन किया है, वही स्टॉक से आपको 1-2 स्टॉक का आपको सिलेक्शन करना है, या आपको ज्यादा से ज्यादा जो स्टॉक सिलेक्शन करना है वो स्टॉक में आपको देखना है कि वो स्टॉक का पैटर्न क्या फॉर्मेशन हुआ है। जो स्टॉक में पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है वो स्टॉक का पैटर्न क्या है। देखिए, ये जो पैटर्न इसमें फॉर्मेशन हुआ है, इस पैटर्न को आप समझिए, ये है ट्रायंगल पैटर्न। मैंने पहले जो स्टॉक सिलेक्शन करना है उसको मुझे डे बेसिस में एक चेक करना है, ये कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। देखिए, ये डे बेसिस का जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ये IRCTC में आप इसको समझिए। इसमें क्या है, आप देखिए, ये स्टॉक इस लेवल पे 765 इस लेवल से क्या हुआ ना, नीचे में आया। नीचे आने के बाद ऊपर को एक गया, इस लेवल पर 753 को गया, यानी इस लेवल पर 557 तक आने के बाद एक ऊपर से गया, इसमें एक लेवल बनाया, इस लेवल से नीचे आया और इस लेवल पर नीचे ऊपर गया, और ये थोड़ा सा यहां से आपको क्या हो रहा है ना, कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए, ये जो आपको पैटर्न बना है, ये जो पैटर्न इसमें बना गया है, इस पैटर्न में आपको क्या है, देखिए, इस पैटर्न में ऊपर गया तो कहां पर आपको रेजिस्टेंस पॉइंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी ये जो स्टॉक है ऊपर को एक बार ब्रेकआउट देगा तभी पूरा बड़ा फॉर्म के साथ एक बड़ा मूवमेंट करने के लिए तैयार है IRCTC से। क्योंकि आप देख सकते हैं इस लेवल पर कैसे एक कंसोलिडेट जोन स्टार्ट हो रहा है। ये जो चार्ट पैटर्न है, इस चार्ट पैटर्न को किसी भी स्टॉक में आप, मार्केट या स्टॉक में आप देख सकते हैं जिसमें ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, वही ट्रायंगुलर पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा। इससे जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें ऊपर का किसी भी आपको रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे इसमें क्या था ना, ये जो लेवल आपको था, इस लेवल को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, इस लेवल को इसमें आप देखिए, इसमें ब्रेकआउट दिया, जो ब्रेकआउट दिया इसमें एक लेवल, दोनों तीन लेवल है, देख सकते हैं ये जो छोटा लेवल है, ये एक लेवल हो सकता है, और भी एक लेवल है, ये जो लेवल आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है, इस लेवल सब कुछ रुकावट का लेवल है। क्योंकि जो लेवल मैंने आपको डे बेसिस का लेवल दिखाया था, ये देखिए डे बेसिस का लेवल है, कहां पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन जो 30 मिनट में जो
टाइम फ्रेम के साथ ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसमें थोड़ा रुकावट है, ये जो लेवल है रुकावट है, ये लेवल है रुकावट का लेवल है। तो इसीलिए डे बेसिस में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर एक कंसोलिडेट ज्यादा से ज्यादा टाइम हो रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर का थोड़ा सा लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लेवल है, इस लेवल के कारण इसमें एक रुकावट दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसीलिए ये जो जोन है, ये जोन को एक बार ये फिनिश करेगा, यानी 768 को पार करेगा, इसके ऊपर टिकेगा, एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जो पैटर्न आपको देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो कर्नर है, ये जो कर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कर्नर है, इस कर्नर के साथ आप देखेंगे ये जो लेवल आपको बन रहा है, ये लेवल है 768 लेवल, जिस लेवल से क्या हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट इसमें क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कर्नर के साथ डे बेसिस का जिस स्टॉक में आपको फॉर्मेशन हो रहा है, एक कर्नर आपको ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर देना है, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा और ये वाला आपका क्या होगा, एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया। लेकिन ये मैक्सिमम आएगा, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये जो लेवल मैंने आप बना रहे हैं, ये जो लेवल है, ये आपको क्या होगा ना, एक जोन बन जाएगा, जिस जोन में आपको ये जो जोन है, मैंने आपको जो लेवल मैंने दे रहा हूं, ये जो है मैंने इसको एक कलर ड्रा करा, ये जो कलर ड्रा कर रहा हूं, ये जो यहां से यहां तक आने के लिए है, ये नीचे आएगा तो मैक्सिमम 694 तक आ सकता है डे बेसिस में, या ए लेवल तक आ सकता है, मैक्सिमम करेक्शन देगा तो इस लेवल तक देगा, लेकिन ऊपर का ये लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। ये एक रेंज बाउंड कहां से कितना आएगा आपको पता लगता है डे बेसिस में, आपको कंफर्मेशन मिलता है, तो ऐसा एक पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट होता है और ऊपर का लेवल ब्रेकआउट देने के लिए तैयार होता है। ये स्टॉक के ऊपर आपको फोकस रहना चाहिए और ये स्टॉक आपका रिस्क फ्री पैटर्न के साथ ये जो फॉर्मेशन हुआ है, इसमें आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ऊपर का ब्रेकआउट लेवल आपको जल्दी मिलने वाला है और नीचे आएगा तो ज्यादा नीचे नहीं आएगा, आसपास आपको क्या होगा ना, फिर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और इस डे बेसिस में आप कंफर्मेशन होने के बाद आप जब 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ इसको देखेंगे, तभी आपको पता लगेगा क्या इसमें और भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। जब ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसका जो पॉइंट है ये देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आपको कभी भी ब्रेकआउट देता है, ये लेवल आता है, ये लेवल आपको ब्रेकआउट देगा तो पूरा कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जो ट्रायंगल पैटर्न है, ये जो थ्री ट्रायंगल पैटर्न है, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है, इसमें क्या होता है कि ना, डिसेंडिंग जो पैटर्न होता है, यानी नीचे से जो कर्नर फॉर्मेशन होता है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये थोड़ा सा मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ये डिसेंडिंग पैटर्न नहीं है। डिसेंडिंग पैटर्न क्या है, ये वाला जो कर्नर है नीचे में रहेगा और ऊपर से कभी भी आ रहा है, ऊपर नीचे के कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे वाले में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या होता है ना, आपको जो पैटर्न बनता है ये कंप्लीटली बाइंग के लिए होता है और इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन इसमें जो डे बेसिस में कभी भी इंट्राडे बेसिस में आपको काम कर रहे हैं और ऐसा एक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, इसमें आपको देखना चाहिए, मैंने आपको देखा जो 5 मिनट में ऐसा एक पैटर्न बन जाता है, देख सकते हैं 5 मिनट में, ये मैंने IRCTC 5 मिनट में देखा रहा हूं। देखिए 5 मिनट में ऐसा एक पैटर्न बन रहा है, ये कंसोलिडेट हो रहा है, देखिए इसमें आपको ब्रेकआउट दे दिया, ये लेवल जो ब्रेकआउट इस लेवल पर दिया, 742 लेवल पर ब्रेकआउट दिया, कंप्लीटली ये लेवल तक आपको देखने के लिए मिला, एक बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिला। इंट्राडे बेसिस के लिए मैं बोल रहा हूं, आप जिस स्टॉक में डे बेसिस में आपको ऑलरेडी फॉर्मेशन हुआ है, यानी डे बेसिस में जो ट्रायंगल पैटर्न इसमें बन चुका है डे बेसिस का, किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में जिसमें आपको ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, वही स्टॉक या इंडेक्स में आपको 5 मिनट में आपको देखना है उसमें क्या ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। जब आप देखेंगे उसमें ट्रायंगुलर पैटर्न बन चुका है, बना रहा है, उस स्टॉक में आप फोकस करेंगे या आप ऑप्शन में ट्रेडिंग लेंगे, क्योंकि आपका रिस्क लेवल क्या होता है ना, नीचे आएगा तो 738 और ऊपर जाएगा तो बड़ा मूवमेंट देगा, आपका रेजिस्टेंस जो जोन है आपको पता है। तो इसलिए इस स्टॉक में आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ऐसे स्ट्रक्चर 5 मिनट में फॉर्मेशन होता है
और भी छोटा फ्रेम के साथ इंट्राडे बेसिस में आप काम कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में इंट्राडे बेसिस में ये सही स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको पता लगता है ये के रेंज बाउंड में, आपको रेंज के बारे में पता लगता है, मैक्सिमम ऊपर जाएगा तो इतना जाएगा, नीचे आएगा तो इतना आएगा, और ये लेवल ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में आ जाएगा, और आपका लेवल आपको पता लगता है इस कौन सा लेवल तक ये आ सकता है और इस लेवल के हिसाब से आपको कहां पर पोजीशन बनाना चाहिए। तो जो ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, जिस ट्रायंगुलर पैटर्न के साथ आपको काम करना है, इसमें आपको एक कंफर्मेशन मिलता है। देखिए इसमें 1 मिनट में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, फोर्थ को बना है, देखिए यानी फ्राइडे में आपको जो ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, ये स्टॉक ऊपर चला गया 766, यानी आपको 12 बजे 12:30 बजे आपको देखने के लिए मिला 766 लेवल, और उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया और नीचे आया, देखिए ये नीचे में मेंटेन कर रहा है। तो उसमें आपको जब भी ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन होता है तभी आपको समझ जाना चाहिए ये इसका रेंज क्या हो सकता है। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए ना, डे बेसिस में ट्रायंगुलर पैटर्न को आपको देखने के लिए इसमें क्या करना चाहिए, किसी भी स्टॉक में आपको देखना चाहिए कि ट्रायंगुलर पैटर्न डे बेसिस में आपको कौन सा स्टॉक में डे बेसिस में ट्रायंगुलर पैटर्न बना है। जिस स्टॉक में आपको ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा और उस स्टॉक का आपको जो लेवल का नीचे में का जो लेवल रहेगा ये आपको सपोर्ट रेंज बनेगा, ये एक सपोर्ट रेंज, ये एक सपोर्ट रेंज, ये आपका सपोर्टिंग पॉइंट रहेगा जिस लेवल पर आपको मिलेगा। ये नीचे में ये जो बार आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपका सपोर्ट का लाइन रहेगा। तो ये सपोर्ट का लाइन को ये जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा और ये वाला आपको सपोर्ट बन जाएगा। तो इसलिए ट्रायंगुलर पैटर्न में जिस भी स्टॉक में ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है वो स्टॉक आपको पॉजिटिव रैडर में रहना चाहिए, और उसके साथ आपको क्या करना चाहिए ना, अपना व्यू बनाना चाहिए उसमें मुझे पोजीशन कहां लेना है। जब तक ये लेवल आपको ब्रेक करेगा तो अभी आपको क्या करना चाहिए, ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट लेना चाहिए, ये एक पॉइंट आपको रेजिस्टेंट पॉइंट है, ये एक पॉइंट आपका रेजिस्टेंट पॉइंट है। कैसे आप ड्रॉ करेंगे, देखिए ये जो रेजिस्टेंट पॉइंट है इसमें मैंने इस कॉर्नर को रखा, इसमें आपको क्लिक कर लिया, तो ये ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक करेगा, ये मैक्सिमम ये वाला लेवल रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और एक लेवल ले सकते हैं, ये जो लेवल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें रखकर एक ड्रॉ कर देना, ये आपको दोनों आपको लेवल हो जाएगा जो रेजिस्टेंस पॉइंट आपको मेंटेन करेगा। यानी ये लेवल ये ब्रेक करेगा इसका मतलब है ऊपर का एक रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 ये लेवल आपको रहेगा, लेकिन ये दोनों लेवल जब आपको ब्रेक कर लेगा, इसके ऊपर सस्टेंस करेगा तभी ये पे ब्रेकआउट बनेगा, अदरवाइज ये नीचे आएगा तो ये लेवल को आएगा, टच करेगा, फिर से लेगा, ये कंसोलिडेट होगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है इस लाइन को, तब तक आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आपका डाउट मन में नहीं आना चाहिए ये स्टॉक गिर जाएगा और ऊपर नहीं आएगा। ये डे बेसिस का चार्ट है, और ये डे बेसिस में एक बार कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ देखना चाहिए क्या हो रहा है, वो स्टॉक क्या ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है या नहीं है, ये कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। मैंने आपको बताया पॉइंट, देखिए जो पॉइंट क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट का काम क्या है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है फास्ट एक रेजिस्टेंट, ये जो जोन के आसपास आएगा इसमें ब्रेक करेगा तो ये फास्ट आपको एक रेजिस्टेंट पॉइंट बनेगा। देखिए ऊपर गया, ये रेजिस्टेंट पॉइंट को सपोर्ट बना, फिर से ऊपर गया, और सेकंड जो पॉइंट बनेगा ये आपका सेकंड पॉइंट बनेगा। तो ये जो 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ वन डे का कंफर्मेशन होने के बाद बन रहा है, इसमें आपको जो बेस बनता है ये वाला आपका बेस बनता है, ये वाला बेस को इतना जल्दी 30 मिनट में ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं है, ये स्टॉक पॉजिटिव होगा तो। इसमें क्या होता है कि ये आपका बनता है जो जोन बनता है, ये एक रेजिस्टेंट पॉइंट, ये एक रेजिस्टेंट टू बनता है, यानी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, इस लेवल तक रुकावट है, ये लेवल को ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है या इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, ये फिर से क्या होगा, देखिए ये एक रेजिस्टेंट जोन बना और फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, तो ये सा चलेगा, यानी ये जो लेवल मैंने आपको दिया इस लेवल को ये रेस्पेक्ट करेगा, ये है ट्रायंगुलर पैटर्न, जिस ट्रायंगल पैटर्न में आपको ध्यान देना पड़ेगा। नीचे में ये फॉर्मेट करेगा यानी ब्रेकडाउन दे दिया तो क्या होगा ना, ये जो लेवल होगा ये लेवल इस लेवल तक आ जाएगा, यानी ये नीचे में लेवल ब्रेक करेगा तो ये लेवल को पहला सपोर्ट मिलेगा, इसके बाद ये सपोर्ट मिलेगा, और ये सपोर्ट मिलने के बाद ये भी सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास ये फिर से मूवमेंट दिखा सकता है या ऊपर आ सकता है। तो इसलिए
ये ट्रायंगुलर पैटर्न में आपको देखना चाहिए, जो ट्रायंगल पैटर्न है इस ट्रायंगल पैटर्न में आपको अच्छे से देखना चाहिए टू द पॉइंट में क्या हो रहा है। इसका जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है, लेकिन जो पैटर्न होता है असेंडिंग पैटर्न एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न जो मैंने आपको बताया, जिस पैटर्न में ऊपर ऐसा एक फॉर्मेशन होता है, जिस फॉर्मेशन होने के नाते आपको क्या होता है ना, आपको सिंपल एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, कंसोलिडेट होने के बाद ये ऊपर के जा रहा है, ये लेवल आपको ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। ये कंफर्मेशन होने के बाद आपको क्या करना चाहिए ना, आपको मूविंग एवरेज जो है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे जो ट्रायंगुलर पैटर्न के बारे में मैंने आपको समझाना था, इसमें क्या है ना, ट्रायंगुलर पैटर्न जब भी फॉर्मेशन होता है, इस ट्रायंगल पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, चार्ट पैटर्न, जिसमें आपको पोजीशन क्रिएट करना चाहिए। ट्रायंगल पैटर्न ऑफसेट डायरेक्शन में इस लेवल को ब्रेक करता है, तभी पॉजिटिव थॉट के साथ आपको सोचना चाहिए और ये पॉजिटिव व्यू के साथ अप ट्रेंड में चला जाता है। और जब भी इस लेवल को नीचे में मेंटेन करता है या डाउन ट्रेंड के मेंटेन करता है, यानी एक शॉर्ट टर्म बेसिस में इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लेकर इसका सपोर्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए ट्रायंगुलर पैटर्न जो है, ट्रायंगल पैटर्न वेरी वेरी यूनिक पैटर्न है और वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जिस पैटर्न वंस स्टॉक में फॉर्मेशन होने के बाद आप इस स्टॉक में व्यू बना सकते हैं, किसी भी स्टॉक हो, जिस स्टॉक में ऑलरेडी इस फॉर्मेट बना रहा है डे बेसिस में या 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ या 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ, वो स्टॉक में आपको इंट्राडे के लिए या पोजिशनल बेसिस में आप उसमें पोजीशन बना, डे बेसिस में फॉर्मेशन हो रहा है तो डे बेसिस में आप पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे बेसिस में 15 मिनट 5 मिनट में बन रहा है तो इंट्राडे के लिए काम करना है, तभी आपको ट्रायंगल पैटर्न का आप एक्सरसाइज करेंगे तो बैक साइड डाटा लेंगे, 10 12 15 स्टॉक का आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा ट्रायंगल पैटर्न कितना स्ट्रांगनेस है और इस पैटर्न में आपको कैसे काम करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया ट्रायंगल पैटर्न में आपको कैसे किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, सिंपल किसी भी स्टॉक को आप सिलेक्शन करना है, जिस स्टॉक में ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तो आपको ऑटोमेटिकल ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा, आपको दिखाई देगा। ये आरबीएल बैंक है, जिस आरबीएल बैंक में 15 मिनट में आप देख सकते हैं कैसे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अपसाइड डायरेक्शन में मैक्सिमम 137 तक आएगा, 137 ब्रेकआउट होने के बाद ये अपसाइड डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आप डे बेसिस में आप देख सकते हैं डे बेसिस में पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये 137 तक जा सकता है, इससे ज्यादा इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैक्सिमम लेवल जो है 141, इस लेवल तक ये मैक्सिमम आ सकता है, इससे ज्यादा आने वाला ये नहीं है, क्योंकि डे बेसिस में इसका जो पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है ये 15 मिनट यानी इंट्राडे बेसिस में यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको हम सिलेक्शन कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म बेसिस में इसमें पोजीशन ले सकते हैं और इस पोजीशन का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए आप किसी भी स्टॉक को जब भी आप सिलेक्शन करते हैं उस स्टॉक को आप देखिए, जैसे मारुति का एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, मारुति इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड डायरेक्शन में चला जाएगा, पहला जो 1931 इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से ये टच करने के लिए अपसाइड डायरेक्शन में टच करने के लिए आ जाएगा, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करेगा मतलब पहला जो सपोर्ट बनेगा 19162 और उसके बाद जो बनेगा 9000। तो ये जो लेवल है इस लेवल को आपको ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा लेवल पर ये ब्रेक कर रहा है और कौन सा लेवल के ऊपर ये जा रहा है, कहां पर वॉल्यूम बन रहा है। तो वॉल्यूम के साथ ट्रायंगुलर पैटर्न को आप स्टडी करेंगे तभी आपको क्या होगा ना, डिटेल्स इसके बारे में आपको पता लगेगा। जैसे मैंने आपको ऑरो फार्मा में एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था जो मैंने देखा था, ये 30 मिनट के शायद बन चुका था, ये देखिए 30 मिनट का ये बना है, ये जो पैटर्न बना है काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है ऑरो फार्मा का, देखिए इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, मैक्सिमम आएगा तो इस लेवल तक आ सकता है कि करेक्शन दे सकता है, इस लेवल तक आ सकता है, नहीं तो इसका अपसाइड डायरेक्शन में बनता है, यानी ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। जब ये 557 यानी आपको ज्यादा नहीं है 557
जिस लेवल पर ऑलरेडी है इस लेवल के ऊपर मेंटेन करता है, 3-4 पॉइंट के ऊपर मेंटेन करता है, तभी ये क्या होगा ना, फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा औरोबिंदो फार्मा। तो ये जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को देखकर हमें स्टडी करना चाहिए, ट्रायंगुलर पैटर्न। अब किसी स्टॉक उठाकर देखिए, एक्सरसाइज कीजिए 30 मिनट 15 मिनट 1 डे बेसिस का, आप देख कर चलिए, आपको पता लगेगा जिसमें पैटर्न बना है उसमें पोजिशन बनाना चाहिए, आप सक्सेसफुल होंगे। तो आज के लिए ये ट्रायंगुलर पैटर्न को एक्सरसाइज कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर दूंगा इसके बारे में डिटेल्स। थैंक यू सो मच।